नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी को दी पंजाब में जीत की बधाई। केजरीवाल बोले, थैंक यू सर। गृहमंत्री अमित शाह बोले, सीसीटीएनएस में शामिल हो सेंट्रल एजेंसियां। अपराध नियंत्रण में एनसीआरबी की भूमिका को सराहा। रांची हाईकोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत पर टली सुनवाई। बिहार में मायूस हुए समर्थक और स्वजन। मंत्री मुकेश सहनी ने पीएम और सीएम को दी बधाई। कहा, आरक्षण के लिए जारी रहेगी हमारी लड़ाई। नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी के सिर फोर हार का ठीकरा। कहा, राहुल ने उन्हें सीएम फेस बनाया, उन्हीं की थी जिम्मेदारी। हाईकोर्ट ने 5 प्रतियोगी परीक्षाओं का परिणाम किया रद्द। आरपीएससी की साख को फिर लगा जोरदार पट्टा। पीएम मोदी ने दिया पंजाब में मदद का भरोसा, तो अरविंद केजरीवाल ने पीएम को किया धन्यवाद। पांच राज्यों के चुनावी नतीजों का राष्ट्रपति चुनाव पर सीधा असर। बीजेपी को फायदा, विपक्ष को हुआ नुकसान। सीएम पद के लिए प्रमोद सावंत और विश्वजीत राणे में होड़। भाजपा आलाकमान लेगी फैसला। भाजपा की बड़ी जीत से विपक्ष में खलबली। रणनीति तैयार करने के लिए दिल्ली में होगी बैठक। ४४ मार्च से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण। कई मुद्दों पर बयान देंगे विदेश मंत्री। भारत चीन के बीच 15वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता शुरू। गतिरोध कम करने की होगी कोशिश। विपक्षी विकल्प बनने की ओर आपने बढ़ाए कदम। भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी ऐसी पार्टी जिसने 2 राज्यों में बनाई सरकार। हार के बाद बदलाव को लेकर कांग्रेस में फिर संग्राम के संकेत। असंतुष्ट नेता पार्टी नेतृत्व पर फिर सवाल उठाने की तैयारी में जुटे। श्री अमरनाथ यात्रा ऑनलाइन पंजीकरण अप्रैल से होगा शुरू। 20,000 श्रद्धालु हर दिन कर सकेंगे पंजीकरण। बसपा अध्यक्ष मायावती बोली, मुस्लिम समाज का बसपा से अधिक सपा पर भरोसा करना भारी भूल। यूपी में हार के बाद अखिलेश का पहला बयान, हमने दिखा दिया भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा के घर जीत का जश्न। बेटी संग सीएम योगी को लगाया तिलक। भाजपा की प्रचंड जीत में जमानत भी नहीं बचा सके दिग्गज। सपा रालोद गठबंधन का हुआ पस्त हाल। सहजनवा में भाजपा ने रचा इतिहास। 10 की जमानत जब्त, 8 को नोटा से भी
आई बाहर। सहारनपुर के देवबंद में जेलर पर जानलेवा हमला, पेड़ के पीछे छिपकर बचाई जान। अंबेडकर नगर में ढहा बसपा का दुर्ग, क्लीन स्वीप कर सपा ने दोहराया 10 साल पुराना इतिहास। हरदोई भाजपा की प्रचंड जीत, 8 सीटों पर फहराया भगवा। भाजपा की जीत के बाद काशी में मेट्रो की जगह आजमगढ़ को मिलेगी एटीएस कमांडो सेंटर। गोरखपुर खाद कारखाने में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, 3 लोग हुए गिरफ्तार। अपने घर में अभिमन्यु हुए केशव, हार पर हो रहा मंथन। अखिलेश यादव को झटका, करछना के जिस गढ़ में की पहली सभा, वहीं हाथ से फिसला सीट। प्रयागराज में आग का गोला बनी ट्रक, धू धू कर चलते ट्रक में जला सामान, मुरादाबाद से झारखंड जाते हुए हादसा। में राजा भैया 7वीं बार विजेता, सपा के गुलशन यादव को हराया। सिराथु सीट पर कांटे के मुकाबले में पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद को हराया। वाराणसी में विधानसभा चुनाव के दौरान माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई शुरू, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट में पाबंद। मेरठ में मुंडाली में महिला की हत्या करके शव को जलाया, पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे। गोरखपुर में साधु की हत्या, गला काट कर की गई, 2 वर्ष पूर्व भी हुआ था जानलेवा हमला। यूपी में फिर भाजपा की जीत पर जश्न का माहौल, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं में खुशी। अलीगढ़ में 7 सीटों पर फिर खिला कमल, भाजपा में हुआ अलीगढ़। सबसे अधिक वोट पाने वाले में प्रदेश में 3रे नंबर पर अमित अग्रवाल, मेरठ कैंट की सबसे बड़ी जीत। बागपत की बड़ौत विधानसभा से एक बार फिर भाजपा के कृष्णपाल मलिक हुए विजयी। बहराइच में बीजेपी ने फहराया जीत का परचम, महसी से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश्वर सिंह जीते। गेहूं लाद कर जा रहा ट्रक हादसे का हुआ शिकार, चलते ट्रक में अचानक लगी आग, मचा हड़कंप, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान। मथुरा सीट पर भाजपा का कब्जा, मथुरा में श्रीकांत शर्मा ने रचा इतिहास, श्रीकांत शर्मा ने 55,000 वोटों से मारी बाजी। नोएडा सीट पर पंकज सिंह को मिली सबसे बड़ी जीत, 1 लाख
वोटों से जीते चुनाव। बिजनौर में आबादी के बीच पेड़ पर चढ़ा गुलदार, वीडियो वायरल, लोगों में दहशत। आगरा की दक्षिण विधानसभा सीट विरोधियों की आस हुई पस्त, योगेंद्र ने लगाई जीत की हैट्रिक। फिरोजाबाद सदर से भाजपा के मनीष असीजा ने लगाई जीत की हैट्रिक, जिले में रहा सपा का दबदबा। विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत पर प्रशांत किशोर बोले 2024 में आएंगे असली नतीजे, पीएम मोदी को लेकर कही बड़ी बात। देहरादून की मसूरी सीट पर गणेश जोशी ने लगाई जीत की हैट्रिक। ऋषिकेश में नहर में डूबे दिल्ली के युवक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 2017 के मुकाबले किया बेहतरीन प्रदर्शन, दोगुनी हुई सीटें। चंपावत में कांग्रेस और भाजपा ने जीती एक एक सीटें, चंपावत भाजपा को लोहाघाट पर कांग्रेस का कब्जा। प्रदेश की सबसे हॉट सीट को हरीश रावत की बेटी ने जीता, अनुपमा की पहली बॉल पर स्वामी बोल्ड। ऋषिकेश में भाजपा प्रत्याशी प्रेमचंद्र अग्रवाल की जीत, भाजपा सरकार बनने की जताई खुशी, आवास पर बधाई देने वालों का लगा तांता। विकासनगर में भाजपा प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान की जीत, भाजपाइयों ने जमकर उड़ाया गुलाल, पछुआ दून की केसरिया रंग में रंगी सड़कें। उत्तराखंड में इस बार बड़ी आबादी की ताकत, चुनाव में सर्वाधिक 8 महिलाएं जीती। योगी आदित्यनाथ की जीत से उनके गांव में खुशी की लहर, पूरी हुई बहन की प्रार्थना। बागेश्वर और कपकोट में भाजपा का खिला कमल, कांग्रेस क्लीन स्वीप। धामी को सीएम बनाने की मांग शुरू, विजेता उम्मीदवारों ने की सीट छोड़ने की पेशकश। हरीश रावत का स्टिंग करने वाला पत्रकार बना विधायक, लोग बुलाते हैं हेलीकॉप्टर वाले नेता। त्रिवेंद्र रावत का बड़ा बयान, धामी फ्लावर नहीं फायर। हरीश रावत 14,000 वोटों से चुनाव हारे, लाल कुआं सीट से बीजेपी की जीत। यूक्रेन के कई हवाई अड्डों के पास रूस ने किए बम धमाके, कीव की ओर तेजी से बढ़ रही रूसी सेना। बीमारी फैलने से रोकने के लिए तुरंत नष्ट कर दे पैथोजन, WHO ने दी यूक्रेन को सलाह। रूस
ने पश्चिमी देशों पर लगाए जवाबी प्रतिबंध, जरूरी खनिज की आपूर्ति बंद करने की दी चेतावनी। भारत से उड़कर गिरी विचित्र वस्तु, पाक सेना का दावा, कहा खतरे में आए कई विमान। पेंटागन ने अमेरिकी सांसदों को साफ किया रूस पर भारत का रुख, यूक्रेन पर हमले को लेकर यूएन में मतदान से बाहर रहने पर उठे सवाल। अफगानिस्तान के फंड का इस्तेमाल करेगा अमेरिका, तालिबान बोला ये मानवता का गिरा स्तर है। यूक्रेन में सैनिक भेजने से यूएस का फिर से इनकार, कहा हमारी कोशिश विश्व युद्ध रोकना। पुतिन से बोले ज़ेलेंस्की, मैं दो बच्चों का पिता, हमारे यहाँ ऐसे वो हथियार नहीं। कीव में यूक्रेनी सेना की भारी तबाही, खार्कीव में भी बमबारी। पाकिस्तान पार्लियामेंट में ड्रामा, पुलिस ने लॉज से 19 लोगों को किया अरेस्ट। भारतीय इकोनॉमी के लिए आई बुरी खबर, रूस यूक्रेन संघर्ष से पड़ेगा बुरा असर। योजना में लोगों का बड़ा रुझान, सब्सक्राइबर संख्या में 22% की उछाल। किया के अंश ने 2 महीने के भीतर बनाया नया रिकॉर्ड, 50,000 से ज्यादा हुई बुकिंग। मुकेश अंबानी की नई योजना, फ्यूचर ग्रुप के लोकेशन पर रिलायंस शुरू करेगी अपना स्टोर। डुकैती ने भारत में लॉन्च की 13 लाख रुपए की बाइक। विदेशी निवेशकों में घट रहा महाराष्ट्र का चार्म, अब कई राज्यों पर लगा रहे दांव। ग्रुप एडमिन को मिले नए अधिकार, फेसबुक की फेक कंटेंट रोकने की नई पहल, गलत जानकारी वाले ग्रुप की पोस्ट को ऑटोमेटिक करेगी रिजेक्ट। अमरनाथ यात्री को मिलेगा RFID टैग कार्ड, रहेगी हर मूवमेंट पर नजर। भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा, रूस यूक्रेन की लड़ाई से हुआ फायदा, सेंसेक्स का मार्केट कैंप 251.88 लाख करोड़ रुपए। रियलमी 9 सीरीज के 2 फोन लॉन्च, इसमें 48 MP का कैमरा, 5000 mAh की मिलेगी दमदार बैटरी, कीमत 14,999 रुपए से शुरू। पिंक बॉल टेस्ट मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 अक्षर पटेल को मिल सकता है मौका। दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न का पार्थिव शरीर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, 30 मार्च को होगा अंतिम संस्कार। सेंसेक्स काउंटी विकेट क्लब से जुड़े चितेश्वर पुजारा ऑस्ट्रेलिया के इस बल्लेबाज के रिप्लेसमेंट के तौर पर हुआ शामिल।
अंकित जडेजा के डे नाइट टेस्ट खेलने पर सस्पेंस, कोहली की नजर, शतक का सूखा खत्म करने पर। राजस्थान रॉयल्स के फास्ट बॉलिंग कोच बने मलिंगा, टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में नहीं खेलेंगे वार्नर। पिंक बॉल टेस्ट के लिए कैसे तैयारी कर रही है टीम इंडिया, जसप्रीत बुमराह ने किया इसका खुलासा। न्यूजीलैंड से हार के बाद पांचवें नंबर पर आई टीम इंडिया, 12 मार्च को वेस्टइंडीज से मुकाबला। झूलन गोस्वामी ने रचा इतिहास, वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 39 विकेटों के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की 39 साल की उम्र में किया कारनामा। आईसीसी ने पाकिस्तान को दिया झटका, रावलपिंडी की पिच पर उठा दिए सवाल, लग सकता है बल। धोनी अंडर 19 वर्ल्ड कप के हीरो के मेंटोर बने, लंबे लंबे छक्के मारने की दे रहे ट्रेनिंग। विवेक अग्निहोत्री ने साधा कपिल शर्मा पर निशाना, कहा टीआरपी बटोरने के लिए करते हैं नेशनलिज्म की बात। प्रभास की फिल्म राधे श्याम के 100 टिकट की विजयवाड़ा के मेयर ने की डिमांड, वायरल हुआ लेटर। स्वयंवर रचाने जा रहे मीका सिंह का, लोगों ने उड़ाया मजाक, बोले अब तो राखी सावंत भी है सिंगल। ऋतिक रोशन जल्द बनेंगे दूल्हा, सबा आजाद के घर लेकर पहुंचेंगे बारात, दोस्त ने बताया शादी का सच। हेगड़े ने राधे श्याम टीम के लिए शेयर किया पोस्ट, बोली मेरी ताकत बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऋतिक रोशन स्टारर फाइटर की रिलीज डेट अनाउंस, फिल्म 28 सितंबर 2023 को सिनेमा घरों में आएगी। आरके ने की प्रभास की राधे श्याम की तारीफ, वो बोले सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ के जितने अच्छे नहीं है फिर भी एक अच्छी फिल्म है। राकेश बापट के साथ ब्रेकअप की खबरों पर शमिता शेट्टी ने किया रिएक्ट, बोली इन सब में कोई सच्चाई नहीं है। ऐश्वर्या धनुष अलग होने के बाद भी बच्चों की साथ में कर रहे हैं पेरेंटिंग, दोनों ने जनवरी में किया था सेपरेशन। मसाबा गुप्ता ने अपनी मां नीना गुप्ता को बताया सर्वाइवर, बोली वो 67 साल की हैं और उन्होंने सब कुछ फिर से शुरू किया। शतक में फिलहाल इतना ही, तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।